हाय व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो यार? आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया हो। तो गाइस, हमारे चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस, हम आज अपने फ़ोन की फ़ोटो एडिट करेंगे। अगर गाइस आपको फ़ोन की फ़ोटो एडिट करना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना गाइस, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और पास में बेल आइकन जरूर ऑल में कर देना, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ तो सबके पहले आपके पास पहुँचे। तो गाइस, ज़्यादातर सबके पास फ़ोन का फ़ोटो रहता है, तो कई बार लोग फ़ोन की फ़ोटो को एडिट नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो को आप देखकर फ़ोन की फ़ोटो को एडिट करना सीख पाएंगे। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, वीडियो को पूरा देखना एंड तक, तभी आप समझा में आएगा आपको। तो सबको पहले फ़ोटो को ओपन कर लेना है। तो मैं गैलरी में जाके देख सकते हो गाइस, हमने अपने फ़ोन से शूट किया था। तो गाइस देख सकते हो, बहुत शानदार ब्लर भी हो रहा है इसमें और बहुत ही शानदार फ़ोटो भी आ रहा है। तो हम फोटो को इसको बनाएंगे एक नंबर फ़ोटो को। तो गाइस, आप कौन से फ़ोन से इस प्रकार की फ़ोटो शूट कर सकते हैं? तो गैस, मेरे पास ओप्पो 17 प्रो फ़ोन है, तो हमने उससे फ़ोटो को शूट किया था। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं गैस वीडियो की तरफ। तो इस फ़ोटो को शेयर कर लेना है आपको स्नैपसीड एप्लीकेशन में। तो मैं यहाँ से इसको फाइनली शेयर कर लेता हूँ स्नैपसीड एप्लीकेशन में। तो गैस, आप भी इस प्रकार फ़ोटो ले लेना है और शेयर कर लेना है स्नैपसीड एप्लीकेशन में। तो देख सकते हो, इस प्रकार का रहता है स्नैपसीड एप्लीकेशन। तो इसमें शेयर करना है फ़ोटो को, और जैसे ही फ़ोटो को शेयर करने के बाद आपको यहाँ पर टूल्स वाला ऑप्शन है, टूल्स में चले जाना है। देख लेना, मैं चिन्ह लगा रहा हूँ गाइस। जैसे टूल्स में जाओगे ना, आपके सामने कुछ ये वाला ऑप्शन है, इसमें क्लिक कर लेना है। और इसमें क्लिक करने के बाद फ़ोटो को जूम कर लेना है गाइस, और जूम करने के बाद ये प्लस वाला आइकन बना लेना है इस प्रकार, ठीक है? और इसको छोटा कर लेना है, देख लेना छोटा कर लेना है, और इसको थोड़ा बढ़ा लेना है। देखें गाइस, जो काला हो रहा था ना, तो इसको इस प्रकार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो इसको ब्राइटनेस को बढ़ा लेना है गैस, और इधर आना है बी और एस, तो इसको थोड़ा माइनस कर लेना है गैस। देख रहे हैं, इसको माइनस करना है, ठीक है? और फिर आप प्लस में क्लिक कर लेना है, और प्लस में क्लिक करने के बाद आप फिर से प्लस में इस प्रकार रख लेना है, और फिर एस में आ जाना है इधर, और इसको ब्राइटनेस को कम कर लेना है, ठीक है? और फिर प्लस में क्लिक कर लेना है, और जो यहाँ यहाँ रेड रेड होता है ना, इसको भी इस प्रकार छोटा कर लेना है सर्कल को, और फिर एस में आना, फिर इस प्रकार इसको माइनस कर लेना है, ठीक है? तो इतना होने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से राइट कर लेना है। देख सकते हो गाइस, बिफोर आफ्टर। तो इतना होने के बाद आप टूल्स में क्लिक कर लेना है एक बार, और टूल्स में जैसे ही क्लिक करोगे ना, आपके सामने ये वाला ऑप्शन है, इसमें क्लिक करना। इसमें क्लिक करने के बाद इसको नीचे करना और इसको बढ़ा लेना है। देखो गाइस, इसको जैसे ही बढ़ाए ना, हम देख इसमें क्वालिटी आ रही है, देख सकते हो गाइस। इसको माइनस करेंगे हम तो कितना कर ले, तो इसको पूरा शो कर लेना है आप, ठीक है? शो करने के बाद राइट कर लेना है यहाँ से, और राइट करने के बाद आपको टूल्स में चले जाना है। जैसे टूल्स में जाओगे ना, आपके सामने कुछ ये जो फर्स्ट वाली एप्लीकेशन है, इसमें क्लिक कर लेना है, और इसमें जैसे ही क्लिक करोगे ना, आपके सामने इधर आ जाना, एक दो तीन, तीसरे नंबर में आ जाना गाइस, और इसको बढ़ा लेना है, ठीक है? इसको पूरा बढ़ा लेना है, पूरा शो कर लेना है, और फिर इसमें आ जाना है। और इसमें आने के बाद जैसे गाइस देख सकते हो, सॉरी, ये चेहरे में भी कलर आ चुका है। तो इसको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ ऊपर चले जाना है। ऊपर चले जाने के बाद आपको व्यू एडिट में क्लिक कर लेना है, और जैसे ही व्यू एडिट में क्लिक करोगे ना, आपके सामने जो ये फर्स्ट वाला है ट्यून मैजिक, तो इसमें क्लिक करना। और इसमें जैसे क्लिक करोगे ना, आपके सामने ये जो ब्रश वाला ऑप्शन है ना, बीच वाला, इसमें क्लिक करना। और इसमें क्लिक करने के बाद गाइस कुछ भी नहीं करना है आपको, फोटो के ऊपर पेंट करना है गाइस। तो कुछ इस प्रकार से देख लेना, बैकग्राउंड के ऊपर पेंट कर लेना है आपको, और कुछ भी नहीं करना है हमको। जहाँ जहाँ पेंट करना है ना, तो बैकग्राउंड बैकग्राउंड के ऊपर हमको पेंट करना है। तो मैं जल्दी जल्दी से बैकग्राउंड के ऊपर पेंट कर लेता हूँ गाइस। तो गाइस, आप कपड़े के ऊपर भी पेंट कर सकते हो। तो देख सकते हो, मैं कपड़ों के ऊपर भी पेंट कर लेता हूँ। देखो कितना अच्छा हमारे कपड़े हो रहे हैं। तो इस प्रकार से मैं पेंट कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। तो देख सकते हो, इस प्रकार पेंट करना है और कुछ भी नहीं करना है आपको बस। तो जल्दी जल्दी से मैं पेंट कर लेता हूँ। तो गाइस देख सकते हो, फाइनली हमारे बैकग्राउंड के ऊपर अच्छी तरह से हमने पेंट कर लिया, और हमारे कपड़ों के ऊपर भी। तो गाइस, अगर कुछ इस प्रकार से अगर आपके फ़ोटो के ऊपर भी पेंट हो जाता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये तीर वाला ऑप्शन दिख रहा है ना ऊपर की बाजू, तो इसको आपको, इसको कुछ नहीं छेड़ना है गाइस, इसको कुछ भी नहीं करना है आपको। जो ये वाला है ना, ये नीचे जा रहा है तीर वाला, इसको आपको जीरो कर लेना है। जीरो करने के बाद हमने फोटो में जहाँ कलर आया ना, उसको इरेज कर लेना है, ताकि ये हट जाएगा। देख सकते हो, हट रहा है ना, तो इस प्रकार हट जाना है, क्योंकि कई बार लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, कलर आ जाता है तो वो हटता नहीं है उनसे। अगर वो कलर कर भी लेते हैं ना, तो फिर उनसे कलर नहीं हटता है। तो इस प्रकार हटा लेना है, कुछ भी
करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें जो टूल यूज कर रहा हूँ उनको यूज करना है, उनको फॉलो करना है। तो देख सकते हो गाइस, इतना होने के बाद मैं फाइनली फ़ोटो को यहाँ से राइट करूँगा, और राइट करने के बाद मैं यहाँ से बैक चले जाऊँगा। बैक चले जाने के बाद मैं फ़ोटो को सीधा शेयर कर लेता हूँ ऑटोडेस्क एप्लीकेशन में। तो जल्दी से मैं शेयर कर लेता हूँ गाइस। तो इसको इस प्रकार का रहता है गाइस ऑटोडेस्क एप्लीकेशन, देख लेना, स्केच बुक जो भी बोलते हैं गाइस इसको, वो कुछ इस प्रकार का रहता है। और इसमें आने के बाद गाइस मैं फुट फेस को जूम करूँगा, देख सकते हो पिंपल वगैरह ये सबको हमको स्मूथ करना है। ठीक है, स्मूथ करने के लिए आपको ऊपर चले जाना है। इसमें जाने के बाद यहाँ से आपको दूसरा नंबर वाला ब्रश सेलेक्ट कर लेना है गाइस। इन ब्रशों में से आपको जो दूसरा नंबर वाला ब्रश है ना, ये सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आप सेटिंग में क्लिक कर लेना है, और जैसे सेटिंग में क्लिक करेंगे दोनों को तो आपको रखना है सेम, ये दोनों को तो कुछ भी नहीं करना है। जो ऊपर वाला है ना, ऊपर वाले को छेड़ना है आपको, मैं 33.32 रख लेता हूँ। तो फोटो को जूम करने के बाद कुछ इस प्रकार से ब्रश को चला लेना है, देख सकते हो गाइस पिंपल वगैरह सब हट जाएंगे, बस आपको कुछ भी नहीं करना है, ब्रश को सही तरीके से चला लेना है। तो इस प्रकार से पेस को स्मूथ करना है और कुछ भी नहीं करना, बस आपको देख सकते हो कितना अच्छा अच्छी तरीके से हमारा पेस को स्मूथ हो रहा है। तो इतना होने के बाद आपको फोटो को शेयर कर लेना है लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो शेयर करने के लिए आपको 3 डॉट में क्लिक करना ऊपर, और 3 डॉट में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखिएगा शेयर वाला ऑप्शन, तो शेयर वाले ऑप्शन में क्लिक करना और नीचे इसमें क्लिक करना। ठीक है, इसमें क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट। तो इस प्रकार शेयर करने के बाद ऐप्स ओपन हो जाएंगे, तो आपको यहाँ लाइटरूम एप्लीकेशन दिख रहा है ना, इसमें शेयर कर लेना है, और शेयर करने के बाद यहाँ से बैक चले जाएंगे सीधा अपने फ़ोन के कीबोर्ड से हम बैक चले जाएंगे और ओपन कर लेंगे लाइटरूम एप्लीकेशन। तो लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन होने के बाद देख सकते हो गाइस फर्स्ट में मेरा फ़ोटो आ चुका है, और आने के बाद आपको यहाँ पर कलर्स वाला ऑप्शन दिख रहा है, इधर से करना है कलर्स, देख लेना कलर्स में जाना, और जो है मैक्स इसमें क्लिक करना, और इसमें जैसे ही क्लिक करोगे ना आपके सामने ये जो चौथा नंबर वाला कलर्स है ना, इसमें क्लिक करना, और इसमें क्लिक करने के बाद इसको माइनस भी कर सकते हो गाइस, आपको जैसा कलर अच्छा लगे ना वो रखना। ठीक है, तो मैं इसको 100 रख लेता हूँ, और इसके बाजू वाले को इसको माइनस 100 कर लेता हूँ। ठीक है, इसको प्लस नीचे वाले को और ऊपर वाले को माइनस 100। तो इसके पास में जो तीसरा नंबर वाला कलर्स, इसमें क्लिक करना, और इसमें क्लिक करने के बाद मैं इसको 100 कर लेता हूँ पूरा, और जो ऊपर है ना इसको तो मैं 5 माइनस। ठीक है, और जो एक इसके पास में एक कलर और रेड कलर, तो इसमें क्लिक करना, इसको थोड़ा तो माइनस कर लेना है, देख सकते हो तो इसको माइनस करने से कितना अच्छा कलर आ गया है। तो इसको मैं प्लस कर लेता हूँ, ठीक है, इसको प्लस 25, और इसको भी ज़्यादा माइनस नहीं करेंगे गाइस, इसको 51 रख लेता हूँ मैं। तो इतना होने के बाद आपको ये कलर्स में क्लिक करना है ये वाला, ठीक है, और इसको देख लेना ऊपर कलर बैकग्राउंड में कलर हो रहा है इससे, और कुछ भी नहीं। तो इसको मैं दोनों को 100-100 रख लेता हूँ, और इसके पास में कलर और से इसमें क्लिक करना, और इसमें जैसे ही क्लिक करोगे देखो गाइस शर्ट पर भी कलर आ रहा है, और उस बैकग्राउंड में भी कलर आ रहा है। तो मैं इसको नहीं छेड़ूंगा, इसको नहीं छेड़ूंगा, इसको थोड़ा बहुत ही छेड़ूंगा, 3 माइनस कर लेना, और माइनस करने के बाद आपको डन कर लेना है, यहाँ डन, और डन करने के बाद नीचे आ जाना, और जो दूसरे नंबर वाला इसको थोड़ा बढ़ा लेना है, और बढ़ाने के बाद जो ये ऑप्शन है ना इसमें क्लिक करना, और इसको बढ़ा लेना है थोड़ी, ठीक है, इससे क्वालिटी आती है और तो कुछ नहीं गाइस। तो इसको बढ़ाने के बाद आपको ये जो 1, 2, 3, 4, 5 नंबर वाला इसको बढ़ा लेना है, ठीक है, इसको जैसे ही बढ़ाओगे तो आप कितना अच्छा क्वालिटी आ चुका है, देख सकते हो गाइस, देख बिफोर आफ्टर कितना अच्छा हमारा फ़ोटो एडिट हो चुका है। तो गाइस फाइनली हमारा फ़ोटो एडिट हो चुका है, आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आपके दोस्तों को और सबको, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं हर रोज़ इस प्रकार का वीडियो लेकर आता हूँ, तो आप ऐसी वीडियो देखकर आप एडिटिंग करना सीख पाओगे। तो गाइस एकदम तो कोई एडिटिंग सीखता नहीं है, बट धीरे धीरे आप एडिटिंग करना सीख जाओगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।